नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार अखिलेश यादव मजबूती से सदन में सीएम योगी का सामना करेंगे। इसके लिए उन्होंने बरेली के सपा विधायक शर्जिल इस्लाम के पेट्रोल पंप मुद्दे को चुना है। मामले की जांच के लिए अखिलेश ने एक टीम भी भेजी है जो अब उन्हें अपनी रिपोर्ट देगी। क्या है अखिलेश यादव की तैयारियां सीएम योगी को घेरने की और किन मुद्दों पर, देखिए इस रिपोर्ट में। हमारी बंदूक से धुआं नहीं गोली निकलेगी, बयान देने वाले बरेली के भोजीपुरा सीट से सपा विधायक शर्जिल इस्लाम के पेट्रोल पंप पर अखिलेश यादव ने खुलकर विरोध दर्ज कराया है। वहीं बुलडोजर चलाए जाने के मामले की जांच के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी जांच टीम बरेली भेजी। हालांकि खुद शर्जिल इस्लाम की इस टीम ने भी नहीं मिले, टीम उनको ढूंढती रही। टीम शर्जिल के ध्वस्त पेट्रोल पंप और उनके घर पर भी गई, लेकिन शर्जिल से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। थक हार कर टीम ने खुद ही जांच की और डीएम एसएसपी से सपा विधायक का पेट्रोल पंप गलत तरह से ध्वस्त किए जाने पर आपत्ति जताकर चली गई। चर्चा है कि अखिलेश यादव सदन में बुलडोजर के मुद्दे को अब उठाएंगे। अखिलेश यादव की भेजी टीम से न मिलने पर शर्जिल इस्लाम की नाराजगी से जोड़कर चर्चाएं होने लगी हैं। लोगों का कहना है कि पेट्रोल पंप ध्वस्त किए जाने के 20 दिन बाद सपा की ओर से उनका संज्ञान लिए जाने से सपा विधायक असंतुष्ट हैं। बरेली पहुंची सपा की टीम अगुवाई कर रहे विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष संजय लाठर ने मीडिया से कहा कि शर्जिल इस्लाम से फोन पर बात हुई थी, वो बाहर गए हैं इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हो सकती। मामले की जांच के लिए आई सपा की 12 सदस्य टीम में शामिल उत्तर प्रदेश विधान परिषद में पार्टी के नेता प्रतिपक्ष संजय लाठर ने कहा कि हमने जांच में पाया है कि शर्जिल इस्लाम ने 10 लाख रुपए नक्शा पास कराने के लिए जमा किए थे, लेकिन बीडीए ने नक्शा पास नहीं किया। टेम्पररी व्यवस्था में कच्चे निर्माण पर पेट्रोल पंप चला रहा था, उसमें कोई पक्का निर्माण नहीं है, तब भी उसे तोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने विपक्ष की आवाज दबाने के लिए सपा विधायक शर्जिल इस्लाम का पेट्रोल पंप नियमों के विरुद्ध तोड़ा है। बरेली में बीडीए की तानाशाही चल रही है। 195 अवैध कॉलोनियां बीडीए के अधिकारी रिश्वत लेकर चला रहे हैं। 80% पेट्रोल पंपों की कंपाउंडिंग अभी नहीं हुई है। उन्होंने कहा ये सरकार निर्दयी है, ये लोगों को डराकर दहशत में रखना चाहती है, इसलिए बुलडोजर चला रही है। उन्होंने कहा कि सपा की टीम अपनी जांच रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंपेगी। इस मामले को विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदन में उठाएंगे। सपा टीम में पूर्व मंत्री ओमकार सिंह यादव, कमाल अख्तर, भगवत सरन गंगवार, पूर्व सांसद वीरपाल सिंह यादव, प्रवीण सिंह एरन, पूर्व मेयर डॉक्टर आई एस तोमर, पूर्व विधायक विजयपाल सिंह और सुल्तान बेग, पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और एमएलसी डॉक्टर राज्यपाल कश्यप के अलावा बरेली से सपा के जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष भी शामिल रहे। सपा विधायक शर्जिल इस्लाम ने 2 अप्रैल को पार्टी नेता संजीव कुमार सक्सेना द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि हमारी बंदूक से धुआं नहीं गोली निकलेगी। इस बयान के बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में अग्रिम जमानत के लिए शर्जिल इस्लाम बरेली कोर्ट में अर्जी दाखिल की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। शर्जिल इस्लाम के आपत्तिजनक बयान पर विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष संजय लाठर कुछ नहीं बोले, इस सवाल को वो टाल गए। तो अब सपा अपनी डूबती नैया को बचाने की जगह सीएम योगी के बुलडोजर से लड़ना चाहती है। अब एक बात समझ से बाहर है कि आखिर इनको बुलडोजर से दिक्कत क्या है। शायद सपा की दोस्ती जिन माफिया और अवैध प्रॉपर्टी रखने वालों से है वो उनका बचाव कर रही है और इसलिए सीएम योगी को घेरने की कोशिश में है। लेकिन सपा को ये बात कौन समझाए कि जीत तो हमेशा सच्चे काम की होती है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।